तो नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे शीशी की विशेषताएं। हम कहाँ पढ़ते? शीशी की विशेषता पढ़ते। तीन विशेषता हमने पढ़ ली है, चौथी विशेषता शुरू करते हैं। चौथी विशेषता हेडिंग लगा के लिखो, नंबर चार। चार नंबर विशेषता क्या है? मिश्रित अंकन पद्धति। कैसी है शीशी? शीशी एक मिश्रित अंकन पद्धति है। कैसी है? मिश्रित अंकन पद्धति है, ठीक है। अब शीशी के अंदर मिश्रित कैसे? शीशी के अंदर अपन वर्तमान पढ़ते हैं, पता है आपको? सिक्स रिपीट एडिशन पढ़ते हैं आप। शीशी के अंदर कौन सा? सिक्स रिपीट एडिशन पढ़ते हैं। उसके अंदर 71 तरह के चिन्हों का यूज किया है, 71 तरह के प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है। चिन्हों चिन्हों का प्रयोग है कितने तरह के? 71। कौन कौन से? ये तो है सिक्स के अंदर। सेवन का कितने के अंदर है? सेवन के है 74 तरह के चिन्हों का प्रयोग किया है सेवन के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब रिपीट एडिशन के अंदर सिक्स के अंदर कौन कौन से देखो प्रयोग किए। सबसे पहले आपको बताया रोमन कैपिटल, मेन क्लास, सारी मेन क्लास यूज करी है, ए से जेड तक कैपिटल वाली, राइट? ओके। दूसरी है रोमन इसमें स्मॉल, रोमन स्मॉल, रोमन स्मॉल की बात करेंगे तो 23 इस तरह के रोमन स्मॉल का प्रयोग किया गया। कौन कौन से? ए से जेड तक है, लेकिन एक स्मॉल आई, स्मॉल एल और स्मॉल जीरो, इनको छोड़कर प्रयोग किया जो 23 हो गए। टोटल 26 थे, 26 में से तीन निकाल दिए, आई एल आई एल ओ और, इन तीनों को छोड़ दिया, बाकी कितने बचे? 23, ठीक है। फिर किसका प्रयोग किया गया है? फिर है इंडो अरेबिक, इंडो अरेबिक, इंडो अरेबिक मतलब क्या होता है? यानी गिनती 1 से 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, ये भी प्रयोग किया गया मेन क्लास के अंदर, आपको पता है। फिर डेल्टा ग्रीक, ग्रीक अक्षर डेल्टा शब्द का प्रयोग किया, ये कितने हैं? एक ही है डेल्टा, ठीक है। योजक चिन्ह कितने हैं? योजक चिन्ह कितने आपको पता है? योजक चिन्ह 5 PMEST, 5 पक्षों के लिए 5 योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर आता है गणितीय चिन्ह भी प्रयोग करें, गणितीय चिन्ह कितने हैं? 6 है। कौन कौन से 6 है? लिखा दो क्या? चलो लिखा दो सर। चलो देखो, इस साइड लिखा रहा हूं पास में। पहले योजक चिन्ह 5 आपको पता है, पर्सनलिटी के कोमा सेमी कोला कोलन, तीन हो गए डॉट, और ये 5 PMEST के लिए। 6 गणितीय चिन्ह कौन कौन से? एक वर्ड एरो स्मॉल कोष्ठक हाइपन, 0 से 9 किसके लिए? दशा संबंध, और ए से जेड स्मॉल, कितने हो गए? अब ये दो बार बोलोगे, ये ए से जेड है कैपिटल, और ये है ए से जेड, ये दशा संबंध के अंदर है, इसीलिए डबल बार इसके अंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल गिन लो, 71। इस तरह पूछ ले हुए सेवन के अंदर, सेवन एडिशन कितने हैं? 74। ये मिश्रित अंकन पद्धति है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? सिक्स के अंदर 71 और सेवन के अंदर 74 चिन्हों का प्रयोग किया है, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है। ये थी विधि नंबर अपने कौन सी? 4। फिर लगो पांचवी नंबर कौन सी है? पांच नंबर विशेषता लिखो, स्मरणशील निमोनिक्स, स्मरणशीलता मतलब निमोनिक्स, यानी एक ही तरह के निशानों का प्रयोग होता है ना, उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये निमोनिक्स। निमोनिक्स कैसे प्रयोग किया गया? देखो, जो एक है संसार में, उसके लिए किसका प्रयोग किया? एक का। जैसे जो एक है संसार में, उसके लिए जैसे गॉड भगवान एक ही है, विश्व एक ही है, कोई चीज यूनिटी है, यानी मौलिक चीज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं जो एक है उसके लिए एक नंबर का प्रयोग किया।
दो के लिए हमेशा किसका प्रयोग, संरचना के लिए। दो किसके लिए प्रयोग किया है, संरचना के लिए। पूरे शीशी के अंदर ये विशेषता है, इसीलिए ये इसको प्रयोग करते हैं यहां पर। दो किसके लिए प्रयोग किया है, संरचना के लिए। फिर पूछ ले वे, तीन किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो तीन है गतिविधि के लिए, गतिविधियां के लिए किता तीन। चार किसके लिए प्रयोग किया गया है, चार कोई समस्या है उसके लिए अपन किसका प्रयोग किया, चार का। पांच किसके लिए, समस्या की जांच, समस्या की जांच, समस्या की जांच के लिए कितना प्रयोग किया गया है, पांच का प्रयोग किया गया। ठीक है, छह नंबर किसके लिए है, उपचार के लिए। क्योंकि ये देखो रंगनाथन जी ने बनाया ना, तो इसको एक तरीके से बनाया, यूं नहीं, पहले समस्या आएगी, फिर समस्या की जांच होगी, फिर उसका उपचार होगा। उपचार अगर है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो सातवें नंबर पर ऑपरेशन भी डाला है, ऑपरेशन। और आठवें नंबर पर क्या डाला है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कितना नंबर, आठ नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक से आठ अष्टपदीय विधि। क्या बोलते हैं, अष्टपदीय, एक से आठ तक वाली है ना, इसको बोलते हैं कौन सी विधि, अष्टपदीय विधि। ये ध्यान रखना, निमोनिक्स यानी के लिए मौलिक रूप होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने अष्टपदीय विधि का प्रयोग किया गया है। यानी आठ विधि का इसका मतलब ये होता है, एक से आठ का प्रयोग किया गया है, नौ को क्या है, खाली छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, कोई नई चीज आ जाए तो इसको नौ को, नौ के विभाजन दे रखे हैं, नौ को खाली छोड़ के फिर 9 1 9 2 9 3 इस तरह प्रयोग किया गया है, लेकिन नौ को खाली छोड़ दिया ताकि कोई नई चीज आए तो उसका एडजस्टमेंट हो सके। और इसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब खाली छोड़ना, एक अक्षर खाली छोड़ दिया ताकि कोई नई चीज कभी आए भविष्य के अंदर तो वहां पर इसका एडजस्ट हो, उसका क्रम नहीं टूटे। इसके लिए रंगनाथन जी ने हॉस्पिटलिटी का प्रयोग किया, यानी अष्टपदीय विधि, नौ को खाली छोड़ना गया है। समझ में आ गया, ये थी अपनी स्मरणशील विशेषता इसकी। फिर अगली विधि आती है सात नंबर। पहले एक मिनट, ये निमोनिक्स कितने तरह के हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निमोनिक्स कितने प्रकार के हैं, तो रंगानाथन जी ने निमोनिक्स चार प्रकार के बताए। निमोनिक्स अभी अपन ने पढ़ा है, तो इसका निमोनिक कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के, ये भी लिख लेना, चार प्रकार निमोनिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अल्फाबेटिक, कौन सा, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक का मतलब, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो अनुवर्णिक स्मरणशील। अल्फाबेटिक निमोनिक्स, अनुवर्णिक स्मरणशील। दूसरा है सिस्टमेटिक, सिस्टम यानी व्यवस्थित। क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक को, व्यवस्थित, व्यवस्थित। तीसरा है सेमिनल, सेमल यानी मौलिक रूप, और इसका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक यानी संसार में एक जैसा, एक ही हो, मूल हो, मौलिक, सेमिनल। और चार नंबर है शेड्यूल, शेड्यूल मतलब अनुसूची बोल सकते हैं इसको, अनुसूची स्मरणशील। ठीक है, तो रंगनाथन जी ने निमोनिक्स कितने प्रकार के बताए, चार प्रकार के, अल्फाबेटिक, सिस्टमेटिक्स, सेमिनल और शेड्यूल। और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगली विधि है अपनी, अगली विशेषता लिखो, छह नंबर। छह नंबर विशेषता क्या है, वैचारिक पद्धति वे विशिष्ट वर्ग, यानी सिस्टम और स्पेशल, वैचारिक वे विशिष्ट वर्ग। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक, सिस्टम एंड स्पेशल। और सिस्टम एंड स्पेशल पर मैंने एक अलग से आपको क्लास बताई है, सिस्टम क्या है और स्पेशल क्या है, पूरी बता दिए। यानी
एल मेडिसन है, एल मेडिसन के अंदर एल बी दे रखा है, जैसे एल बी का एल मेडिसन देखना आप जाके, तो वहां पर बी दिख क्या दे रखा, आयुर्वेद दे रखा है। फिर एल सी दे रखा है, एल सी क्या दे रखा है, सीधा दे रखा है। एल डी दे कर है, सारे दे रखे हैं एल डी एल, इनको किस क्रम के अनुसार, तो मैंने आपको बताया जो वैचारिक यानी ये सिस्टम पढ़ाया था, तो आपको बताया था मैं काल क्रम अनुसार जिस तरह उनका विकास हुआ है, सबसे पहले कौन सा आयुर्वेद आया था, उसके बाद होम्योपैथी, सारे दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह इसका विकास किस तरह हुआ था, काल क्रम अनुसार। स्पेशल भी बताया था, अगर स्पेशल के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, स्पेशल का L9B दे रखा है, ये क्या है स्पेशल, यानी बीच में देखो इंडो अरेबिक आ गया, मतलब क्या है स्पेशल, ये है विकास अनुसार, किसके अनुसार, विकास अनुसार। अगर सिस्टम और स्पेशल दोनों को एक साथ प्रयोग करना हो अपन को, तो क्या करेंगे, तो पहले तो क्या आएगा सिस्टम, फिर इस आएगा स्पेशल, कोमा, दोनों के बीच में कोमा आएगा, फिर पर्सनालिटी, फिर वो सेमी कॉलन आ जाएगा, फिर मैटर आ जाएगा, फिर कॉलन आएगा, फिर ई आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर एस आएगा, और फिर ऊपर इनवाइटेड कोमा, फिर टी आ जाएगा। इस तरह अगर स्पेशल नहीं है तो स्पेशल लगा सिस्टम लगा देंगे, सिस्टम नहीं है तो स्पेशल लगा, बस क्रम ये रहेगा, सिस्टम स्पेशल, पहले सिस्टम आएगा फिर स्पेशल आएगा, और इसके लिए अलग से एक क्लास बनाई हुई है, पहले इससे पहले बता दी मैंने सिस्टम और स्पेशल। ये थी कौन सी विशेषता, 6 नंबर। 7 नंबर विशेषता क्या है, और यही विशेषता इंपॉर्टेंट है, विशेषता से पूरा शिशि का निचोड़ निकल जाता है, आपको पता है। चलो 7 नंबर क्या है, विभिन्न विधियां, विभिन्न विधियां का प्रयोग किया गया है, विभिन्न विधियों का प्रयोग। अब कौन कौन सी विधियां हैं, सबसे पहले अल्फाबेटिकल एडी विधि, कौन सी विधि, एक नंबर लगा के लिखना, एडी यानी अल्फाबेटिक विधि, कोष्टक में लिखना पूरा नाम, अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस मतलब रंगानाथन जी इन विधि का तब प्रयोग करने का बोला है जब कोई भी विधि का उपयोग नहीं हो, किसी भी विधि से अगर नंबर नहीं बने तो रोमन कैपिटल का प्रयोग करके नंबर बना सकते हैं, वो भी 3, अधिकतम कितने अक्षर, 3 अक्षर। जैसे आपको पता है अपने जब राजस्थान के नंबर बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ लिखे, जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से अपने, तो हिस्ट्री ऑफ टोंक, अगर इसका रंगानाथ जी ने नंबर बनाया तो वी हिस्ट्री के अंदर आएगा, राजस्थान का नंबर क्या, 44-37। अबे टोंक का अभी नंबर देने रखा है उसी के अंदर, तो रंगानाथन जी ने कहा आप अल्फाबेटिक विधि से 3 अक्षरों का प्रयोग करके, TON प्रयोग करके नंबर बना सकते हो। जैसे उन्होंने चावल के लिए वीट है, तो जे एग्रीकल्चर या लिख लो, वीट के लिए प्रयोग कैसे किया, ये वीट का तो शीशी में दे भी रखा है, कैसे, जे एग्रीकल्चर के अंदर आएगा, ठीक है, 382 के अंदर दे रखा खाद्य पदार्थ, और एस दे रखा वीट का नंबर, ऐसे बासमती राइस के लिए, सबके लिए अलग अलग इन्होंने प्रयोग किया गया, उसी को बोलते हैं अपन अल्फावेडिक, अल्फावेडिकल विधि का प्रयोग तब करने का बोला है जब किसी भी विधि का प्रयोग नहीं हो, तब अल्फावेडिकल का प्रयोग करो। कितनी विधि हो गई, 7वीं विधि का ए कर लिया, डिवाइस पढ़ रहे हैं अपन 7वीं विधि का, तो सबसे पहले एडी डिवाइस मतलब अल्फाबेटिकल, दूसरी विधि है सीडी डिवाइस, लिखो 2 नंबर कौन सी, सीडी, सीडी मतलब होता है कॉर्नोलॉजिकल, काल क्रम अनुसार, कॉर्नोलॉजिकल डिवाइस यानी काल क्रम अनुसार, लिखना हिंदी में लिखना साथ में काल क्रम अनुसार विधि, ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं है थोड़ा सा एडजस्ट करना, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, अब राइटिंग ऐसी लिखी जाएगी। काल क्रम अनुसार विधि का मतलब होता है शिशि के अंदर, काल क्रम के अनुसार इसका प्रयोग तब करने का बोला है, इसका प्रयोग लगभग शिशि के अंदर किया गया है,
मैं तो पूर्ण समय के अंदर कालक्रम अनुसार, मतलब आपको बताया ना सिस्टम का प्रयोग कालक्रम अनुसार किया गया, बस वही है। जैसे अपन को शीसी पद्धति कब आई, 1933 के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, टू क्लासिफिकेशन नंबर है 51N3। ये N3 क्या है, ये कालक्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, ठीक है। जैसे ओल्ड लिटरेचर का मैंने बोला है, ओल्ड लिटरेचर का भी बताया आपको, इसमें भी देख लो आपको पता है P1 P2 P3 और P4। ये P3 के अंदर अपन ने क्या करेंगे, P3 के अंदर क्या है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का प्रयोग यानी समय पक्ष का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया यहाँ तक, चलो ये चीजें पधार की है, सिर्फ विशेषता लिखा रहा हूँ, विशेषता में एक बार पूरी रिपीट हो जाएगी। तीसरी डिवाइस कौन सी है, GD यानी ज्योग्राफिकल डिवाइस। ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी आपको, ज्योग्राफिकल डिवाइस कोई पढ़ाएगा तो भी नहीं मिला, यानी भौगोलिक विधि। कौन सी, ज्योग्राफिकल डिवाइस मतलब भौगोलिक विधि। भौगोलिक विधि का मतलब प्रयोग कैसे, भौगोलिक विधि का प्रयोग यानी कि वो स्थान पक्ष का प्रयोग, भौगोलिक मतलब वो स्थान कह सकते हैं अपन, यानी स्थान पक्ष का प्रयोग। जैसे मैं उसका उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री वी, इंडिया हिस्ट्री का क्या है, वी वी क्या है, स्थान, स्थान के लिए डॉट का प्रयोग, इंडिया का नंबर क्या है 44, ये नंबर बनता है। लेकिन नहीं, सीसी के अंदर V44 ही लिखा हुआ है। कारण, कारण क्या है इसका, कारण ये है कि तीन मेन क्लास है N V और Z। NVZ यहां पर स्थान को पर्सनलिटी माना हुआ है, स्थान को पर्सनलिटी माना है, यानी P माना हुआ है। अब P के अंदर आपको पता है, P अगर मान लेंगे तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं आएगा, ठीक है। मेन क्लास के साथ जब भी P लगाएगा, मैं योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं आएगा, पता आपको। इसीलिए योजक चिन्ह ये नहीं होके क्या होगा, ये होगा, ठीक है। कौन कौन सा, एन, एन का मतलब क्या है, फाइन आर्ट, फाइन आर्ट यानी ललित कला। वी क्या है, हिस्ट्री, और जेड क्या है, लो। जेड क्या है, लो। इनको क्या माना गया है, स्थान पक्ष को पर्सनलिटी माना गया, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन। सिर्फ तीन मेन का NVZ इंपॉर्टेंट होगा, सारे बताऊंगा। जैसे इंडियन लॉ लिखा जाएगा, इंडियन लॉ, जेड लॉ के अंदर आता है, इंडिया के नंबर 44 है, तो जेड 44 नंबर बनेंगे, ना कि जेड डॉट 44 बनेंगे, जेड डॉट 44 नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, इंडियन लॉ Z44। समझ में आ गया, ये थी कौन सी अपनी, ज्योग्राफिकल डिवाइस। अगली अपनी डिवाइस है, कितनी नंबर है, चार नंबर। चार नंबर कौन सी है, SD यानी सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस, सब्जेक्ट यह मतलब विषय विधि, और इसका योजक चिन्ह क्या है, स्मॉल कोष्ठक, ठीक है। इसका प्रयोग तब किया जाएगा, ये मैं जो थोड़ी बोलता हूँ साथ में इसको थोड़ा नोट डाउन भी कर लिया, जब दो विषयों का वर्णन किया गया हो जिसमें से एक विषय मुख्य विषय हो और दूसरा क्या हो, अधीनस्थ विषय हो। जैसे मुस्लिम लो, मुस्लिम लो, मुस्लिम लो दे रखा है, ये अपन को दे रखा है। अब दोनों ही आपको पता है, मुस्लिम और लो दोनों मेन क्लास है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, सीसी के अंदर जेड लोक में मिलेंगे। अभी मेन क्या है, लो, वो भी कैसा है, मुस्लिम। अब दोनों मेन क्लास, मुस्लिम लो ये भी मेन क्लास है, लो भी मेन क्लास है, यानी एक मुख्य विषय है उसके अंदर दूसरा अधीनस्थ विषय है, तो इसको कैसे कहेंगे, मेन विषय उसको जेड, इसको अलग लिख दिया, और कोष्ठक के अंदर क्या लिखे, मुस्लिम का कोड क्या है, Q7, इसको स्मॉल कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो नंबर बन जाएगा ZQ7 कोष्ठक। Q7 किसके अंदर, यानी जब भी आपको लगे ये क्यू लिखा हुआ है, कोई वर्ड क्यू, मतलब इसका प्रयोग होता है गोलाकार कोष्ठक, और इसका मतलब एक मुख्य विषय बार वाला, ये इसका अधीनस्थ विषय है, सब्जेक्ट डिवाइस के अंदर इसका प्रयोग होता
कौन सी डिवाइस होगी? 4 नंबर, सब्जेक्ट डिवाइस। लिखो 5 नंबर। 5 नंबर डिवाइस क्या है? अध्यारोपण विधि। कौन सी विधि? अध्यारोपण विधि। इंग्लिश में लिखो तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। इसका योजक चिन्ह क्या है? हाइपन। हाइपन योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह हाइपन। इसका प्रयोग किसके अंदर किया गया है? थर्ड एडिशन के लिए। थर्ड सीसी का जो थर्ड एडिशन आया उसके अंदर 1950, उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? इसके अंदर क्या है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ आपको पता है। जैसे 233 24 लिखा हुआ है, कोड तो क्या बना हुआ? 233-234। इसका मतलब क्या है? ये तो क्या है, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अगर आपको लिख लें कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अब कॉलेज का नंबर 2335, यूनिवर्सिटी का नंबर 234, अब इनको दोनों को जब नंबर बनाएंगे तो क्या बनता है? 233 ये, लेकिन दोनों सेम है। मितव्ययिता नियम के अनुसार आपको ये पढ़ा हुआ है, इसको हटा देंगे, क्या लिखेंगे? डैश लगा के ये लिख देंगे वापस, अध्यारोपण विधि। यानी एक ही मुख्य पक्ष के दो एंकल, यानी दो एंकल का प्रयोग, यानी आइसोलेट का प्रयोग करना है तो अपन अध्यारोपण विधि का प्रयोग। मुख्य पक्ष तो एक ही है, एक पक्ष के दो एंकल का प्रयोग करना है तो अध्यारोपण विधि का अपन प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये विधि कौन सी डिवाइस होगी? 5 नंबर। 6 नंबर विधि लिखो। 6 नंबर विधि कौन सी? स्मरणशील विधि। शील विधि यानी निमोनिक्स डिवाइड डिवाइस, निमोनिक डिवाइस मतलब, यानी अगर आपको कई एक समान दे रखा है, याद करना आसान है सीसी के अंदर। कैसे? यानी कोई स्थान दे रखा है किसी के साथ, जैसे आप उदाहरण के शुरू से मतलब उदाहरण के बहुत है, जैसे लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का नंबर क्या है? 2.44 बन जाएगा। हिस्ट्री का नंबर V.44। यानी देखो इंडिया का नंबर, यानी याद करने का एक ही नंबर का प्रयोग किया गया है। इंडिया का कहीं प्रयोग करोगे नंबर कितना आएगा? 4-4। सिर्फ मेन क्लास बदल रही है बाकी। यानी देख लो ज्योग्राफी को भी इंडिया लिख दो तो ज्योग्राफी का क्या है? मेन क्लास U और .44। इसको बोलते हैं स्मरणशील विधि। यानी किसी एक विचार का प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है तो उसके लिए एक ही नंबर का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहीं प्रयोग करो उसका नंबर एक ही होगा, उसको बोलते हैं स्मरणशील विधि। और लास्ट डिवाइस एक और लिख लो आप, 7 नंबर, वर्णीय विधि, वर्णीय ग्रंथ विधि। ये आपको पता भी है, वर्णीय व्रत, क्लासिस डिवाइस। क्लासिक मतलब इसका प्रयोग, योजक चिन्ह देखो पहले, इसका योजक चिन्ह क्या है वर्णीय विधि का? तो कोलन इसका योजक चिन्ह है। और इसका प्रयोग कहाँ किया गया है वो भी बता दूं, जब आपको पता है पुस्तक बुक नंबर फॉर्मूला, उसके अंदर आपको पता है क्रिटिजन यानी समीक्षा कहते हैं उसको, इसके लिए किसका प्रयोग किया है? वर्णीय विधि यानी बुक नंबर फोर के अंदर है जो क्रिटिज्म है उसके लिए इसका प्रयोग, यानी कोई विषय, ये इसके पहले थोड़ी लिखो वर्णीय विधि, किसी भी विषय पर छपी की, किसी भी विषय पर छपी पुस्तक, कोई भी विषय उस पर जो बुक जब छपी है, पुस्तक के टीका टिप्पणी यानी समीक्षा रिपोर्ट कुछ भी उसके बारे में अलग से जो छपती है उसी को अपने क्या बोलते हैं, क्लासिस डिवाइस। और उसको उस पुस्तक के साथ रखना,
यानी कोई पुस्तक है उस पर कोई आपको समीक्षा रिपोर्ट छपी है, उस समीक्षा रिपोर्ट का उस पुस्तक के साथ रखना, इसी को बोलते हैं वर्णी ग्रंथ विधि। और इसका प्रयोग आप कहाँ किया है, रंगनाथन का बुक नंबर फॉर्मूला, वहाँ पर इसका प्रयोग किया है। बुक नंबर फॉर्मूला नेक्स्ट विशेषता अपनी कौन सी, नंबर 8 नंबर विशेषता बुक नंबर फॉर्मूला। वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली क्लास के अंदर अपन बुक नंबर फॉर्मूला और 4-5 और विशेषता रही है सारी विशेषता पढ़ लेंगे, तो विशेषता अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी होगी। तो क्लास कैसी लगी जरूर बता, कोई आपका डाउट है तो कमेंट्स करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलेंगे एक नए विशेषता के साथ, तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।